really such a beautiful place. काफी खूबसूरत लग रहा है। ये बंद पड़ा हुआ है और ये टेंपल तो बंद पड़ा है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ग्रेट बुद्धा स्टैचू 80 फीट का जो है उसके पास चलते हैं, क्योंकि समय भी बहुत ज़्यादा हो चुका है और अब एक्सप्लोर का भी करना है। और अभी जस्ट अभी एंट्री करेंगे, अभी विदाउट मास्क नो एंट्री। मास्क नो, एक मिनट कृपया हाथ ना लगाएं, डोंट टच ग्रेट बुद्धा स्टैचू। अभी पहुंचे हम लोग। रियली सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, काफ़ी खूबसूरत जगह है। और ये जो है मूर्ति भगवान गौतम बुद्ध की है, जो 80 फीट की मूर्ति है ये। और ये जो बगल में देख रहे हैं स्तूप टाइप का बना हुआ, ये साइड साइड से काफ़ी सुंदर सा ये बगीचा गार्डनिंग की हुई है यहाँ पे, जो काफ़ी खूबसूरत बनाता है इस जगह को। और ये जैसे देख पा रहे हैं, ये गौतम बुद्ध भगवान बुद्ध की मूर्ति है। और चारों तरफ ये जो देख पा रहे हैं, ये चारों तरफ इनके शिष्य हैं। शिष्य के बीच में गौतम बुद्ध की मूर्ति को विराजमान किया गया है। और ये मूर्ति जापानी कारीगरों द्वारा बनाया गया था 1989 में। इसका उद्घाटन श्री दलाई लामा ने किया था, बोधि श्री दलाई लामा ने। बोर्ड पर आप देख सकते हैं, इसमें प्रॉपर लिखा हुआ है। और इतने सारे दिख रहे हैं, ये सब गौतम बुद्ध के शिष्य हुआ करते थे, ये सब शिष्य हैं सब। और काफी खूबसूरत ये एक पर्यटन स्थल है यहाँ का। ये आप यहाँ आए तो बोधि ब्रिज के महाबोधि मंदिर के ठीक बगल में ही ये 80 फीट का स्टैचू और लगभग इसकी लंबाई 25 मीटर के आसपास है। अभी तो ये कोविड के कारण ये बाउंड्री लगा हुआ है, जिसके कारण हम लोग अंदर नहीं जा पा रहे हैं। फिर भी काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है ये। और ये जगह बिहार के फेमस पर्यटन स्थलों में से एक है। गया में ऐसे बहुत कुछ जगह हैं, जैसे पर्यटन स्थल में से काफ़ी खूबसूरत जगह में ये एक आता है। ग्रेट बुद्धा स्टैचू जो टेंपल था अभी बंद था, जो कि बाहर से ही जो देखने को मिला वही देख पाए, बाकी कुछ नहीं। और यहाँ का कंप्लीट हो गया, उन्होंने देखा, बाकी कुछ नहीं था यहाँ पे, बस बहुत बड़ा स्टैचू। लॉकडाउन के कारण वो गेट बंद था, लेकिन इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उतना ही क्राउड है। तो अब हम लोग बाहर निकल चुके हैं, ये जो एंट्री गेट था यहाँ का। अब इसके बाद देखते हैं, अपने बाइक के पास पहुँचते हैं। गया में एंटर किए जब, यहाँ पर आने के बाद बहुत सारा मंदिर जो था, बहुत ही टेम्पल मोनेस्ट्री वगैरह बंद देखने को मिला। और सुनने में आ रहा है कि ये
5 या 6 जनवरी से रीओपन हो जाएगा 21 में। लगभग हर चीज़ बंद है, बस ये जो है बाहर से जो घूमना है वो घूम पा रहे हैं बस। थोड़ा धीरे कीजिएगा, धीरे, शायद में ये खुला हो। अच्छा आगे से है, आगे आगे ये है, साइकिल अंदर आना मना है, खुला है। चलिए ये भी जो मोनेस्ट्री आप देख पा रहे हैं, ये टेंपल जापानी टेंपल है, ये फिलहाल ये बंद पड़ा हुआ है। कुछ नहीं, चलिए कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ जहाँ फोटो लेना वहाँ लेना है ना। और थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद ये रॉयल बुद्धा मोनेस्ट्री है, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ, तो आपको पास से दिखाते हैं, इसमें अंदर जाना अलाउ नहीं है, दूर से ही आपको दिखाते हैं। ये रॉयल बुद्धा मोनेस्ट्री, हाँ ये प्रॉपर दिख रहा है यहाँ से, ये बंद पड़ा हुआ है। बोधिराज मोनेस्ट्री ये भी बंद पड़ा हुआ है। यहाँ के बाद अब जाएंगे हम लोग महाबोधि टेम्पल, और वहाँ जाएंगे और आपको वहाँ का पूरा दृश्य दिखाएंगे, तो बने रहिएगा वीडियो पे एंड तक।